नोटबंदी के बाद कई बैंक्स में पुराने नोट जमा करवाने की होड़ मच गई, जिस पर सरकार की पूरी नजर है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऐसे बैंक्स में जांच भी शुरू कर दी है। देश भर में 10 बैंकों की 50 ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। इन ब्रांचों में नोट बैन के बाद सबसे ज्यादा नोट जमा हुए फेमा और पीएमएलए के उल्लंघन के मामले की भी ईडी जांच करेगा। ईडी ने सभी बैंक्स को रूटीन जारी रखने को कहा, जिससे कि बैंक आने वाले कस्टमर्स को किसी तरह की तकलीफ ना हो। उधर ईडी ने अहमदाबाद में 3 पीएसयू बैंक्स में जांच की है। तीनों बैंक्स में अवैध तरीके से नए नोट देने की आशंका है। उधर आय से ज्यादा के 400 मामलों में आईटी विभाग जांच कर रहा है। और बिहार के गया में पुलिस ने 35 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए, रिपोर्ट देखिए। रेलवे पुलिस ने रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस से 35 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। साथ में विदेशी शराब की 14 बोतलें भी बरामद की गई है। कल शाम गया जंक्शन पर रेल पुलिस ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में छापेमारी की। जांच में लावारिस बैग का पता चला, जिसमें 500 के नोट की 70 गड्डियां मिली। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। डेली रूटीन चेकिंग के क्रम में बोगी नंबर T4 से 3 बैग बरामद किए। बैग की तलाशी लेने पर एक बैग में 500 रुपए के पुराने नोट की 70 गड्डियां, कुल करीब 35 लाख रुपए बरामद हुए। और अन्य दो बैगों से रॉयल स्टेक 3,750 एमएल की शराब की 14 बोतलें बरामद हुई। कल कोलकाता पुलिस ने 33 लाख रुपयों के पुराने नोट के साथ पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया था। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने दावा किया है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक व्यक्ति ममता बनर्जी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल में सिंगापुर गया था। नोट बैन के फैसले के बाद से अब तक करीब 2,000 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हो चुका है।